अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत जैसे मुल्क में तोहम परस्ती की तो कोई कमी नहीं, बल्कि उनकी तोहम परस्तियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि इर्द गिर्द के माशरे में भी फैलें, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। भारत में एक नौजवान लड़की को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सास ने सरेआम दहकते हुए कोयलों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक होलनाक वीडियो में नौजवान लड़की को दहकते हुए कोयलों पर चलते हुए देखा जा सकता है, जबकि इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। ये वाकया भारतीय रियासत मध्य प्रदेश, जिसे MP भी कहा जाता है, जहाँ चंद रोज कबल मस्कूरा लड़की को ससुराल वालों ने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा के लिए मजबूर किया। अग्नि परीक्षा के अल्फाज तो आपने कई फिल्मों में सुने भी होंगे। इलाका मकीनों का कहना है कि नौजवान लड़की से इसका शोहर बेपनाह मोहब्बत करता है, जिस पर लड़के की वालिदा ने अपनी बहू पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने काला जादू करके मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। वैसे तो ये इल्ज़ाम पाकिस्तानी माशरे में भी हर दूसरी सास लगाती ही रहती है। नौजवान लड़की अपनी सास के रोज़ रोज़ के इल्ज़ामात से तंग आकर मुकामी अफराद पर मुश्तमिल पंचायत के पास चली गई, जिन्होंने लड़की से हिंदुओं की मुकद्दस किताब पर काला जादू ना करने का हलफ भी उठवाया। लड़की की सास ने तो मुकद्दस किताब यानी गीता पर कसम खाने की गवाही को भी कबूल नहीं किया और कहा, मैं इस वक्त यकीन करूंगी जब वो अग्नि परीक्षा यानी अंगारों पर चलेगी। तमाम रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला के सामने और पंचायत की जेर निगरानी लड़की ने दहकते हुए कोयलों पर चलकर दिखा दिया। खुशकिस्मती से लड़की को कोई जख्म तक ना आया और मैं हैरान हूं कि सास ने इस पर कोई बहाना नहीं लगाया कि यह लड़की वाकई में जादू करती है, जो आग के शोलों और कोयलों से भी बच गई है। ना हैरानगी की बात, आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अगर आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स ये हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।